90.80 करोड़। करंट फाइनेंशियल ईयर में इसमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड जो है ये मिटिगेशन के लिए यूज होगा। इसके अलावा जो है वो 50 करोड़ रुपए जो है वो सिस्मिक और लैंडस्लाइड जो रिस्क होते हैं पहाड़ी राज्यों में उसके लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड से प्रदेश को मिलेगा। ये फंड नया क्रिएट किया है। फिर एक जो है वो सिल्क वर्म सीड प्रोडक्शन सेंटर जो पहले से एस्टेब्लिश है थुनाग में, तो उसमें जो है वो 4 पद जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के जो है सृजित करने को भी स्वीकृति दी गई है। साथ में जो है वो नया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सुला विधानसभा क्षेत्र में जो है वो खोलने को स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी थी और उसमें विभिन्न किस्म की 29 पद जो है वो भरने को भी वो मतलब सृजित करने का जो है स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी है। इसी प्रकार से मंडी जिला के तीरा में जो सिविल हॉस्पिटल स्तरोन्नत किया गया है उसमें विभिन्न प्रकार की पदों को जो है वो सिविल हॉस्पिटल में जितने पद जरूरत होती है उनको भरने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जो है वो प्रेजेंटेशन दी जिसमें सारा कोविड के दिनों में कितने केसेस हुए, कितने लोग बाहर की स्टेट से प्रदेश में लाए गए, कितने हिमाचल से बाहर की स्टेट्स में गए और इसमें जो कितना पैसा कोविड फंड में है, कितना डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में है और उसमें कितना व्यय हुआ है, जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर है जिसमें हर एक व्यक्ति के जो है वो नाम सहित जो है वो उसमें डिपेक्ट जो है वो किया होता है, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बताया जाएगा। इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में दी गई। एक लैंड लॉ से संबंधित जो है वो बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी में चले हैं, लिटिगेशन के ऐसे बहुत सारे केसेस थे, तो जिसके बारे में प्रदेश के एडवोकेट जनरल को कैबिनेट में बुलाया गया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ भी थे, लॉ ऑफिसर्स जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो शिमला से संबंधित एनजीटी का फैसला है जिसमें कोर एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए जो है मकान बनाने की एक स्थिति है, उसमें अपील की क्या स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में और क्या उसमें हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, या उसमें तीसरा जो है वो प्लानिंग डेवलपमेंट प्लान जो है बनाने की दिशा में जो है वो डिपार्टमेंट आगे बढ़े, इसके बारे में जो है वो चर्चा की गई। साथ ही साथ जो एनक्रोचमेंट्स लैंड से संबंधित जो है वो केसेस हैं ऐसे उसके बारे में भी चर्चा हुई और उसमें एक कैबिनेट सब कमिटी लॉ मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो है वो गठित की गई जिसमें श्री महेंद्र सिंह जी, रामलाल मार्कंडे जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी जो है उस सब कमेटी के मेंबर होंगे, जो इन सारे इश्यूज पर जो है लैंड से संबंधित, एनक्रोचमेंट से संबंधित, फॉरेस्ट ड्वेलर्स से संबंधित जो मामले हैं उन पर जो है विचार करके कैबिनेट को अपने रिकमेंडेशंस जो है देंगे। ये मुख्य रूप से जो है वो उस कैबिनेट में डिसीजन लिए हैं। इसके अलावा कोई नहीं, अभी जो पुरानी चर्चाएं हुई हैं उस पर जो है विभिन्न विभागों के प्रस्ताव आएंगे, उस पर कुछ चीजों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, वो निर्णय लेकर के जो है उसे नोटिफाई करेंगे, उसके ऊपर जो है वो फिर आगामी कार्यवाही उसके बाद होगी। सर, सब कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उस पर भी चर्चा हुई है जो पिछले दिनों भी हुई थी के? वो हो गई है, पिछली बार चर्चा हो गई है, वही तो कहा है मैंने कि जो चर्चा के बाद जो है विभिन्न विभागों को उसके आधार पर रिकमेंडेशन जो है वो प्रस्ताव लाने को कहा गया है, तो वो डिपार्टमेंट्स प्रस्ताव बना रहे हैं, वो
एक एक करके जो है प्रस्ताव आते जाएंगे। सर जो कैबिनेट कमेटी बनाई है, क्या ये जो अवैध कब्जा हुआ है प्रदेश में जो अलग अलग जगह पर हुआ है, ये सब चीजों पर जो है लैंड से संबंधित, फॉरेस्ट से संबंधित जो इस प्रकार के इश्यूज हैं उन पर विचार करेगी। सर इससे हटकर जो रहा वो निजी स्कूलों का जो फीस का मामला है सर, ये कैबिनेट का डिसीजन नहीं, आज तो कैबिनेट की ब्रीफिंग हो रही है, तो वो ले रहे हैं जी फीस, वो अलग विषय है, उसके लिए अलग से बात करिए आप, कैबिनेट की ब्रीफिंग में ये इशू नहीं था।